इस वीडियो में हम पांच ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसका साइज तो बहुत छोटा है बट इनका बिजनेस फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन तीनों बहुत अच्छा है और ये सभी स्टॉक्स अच्छे ग्रोइंग सेक्टर में भी काम करते हैं तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल भी जबरदस्त है तो हमारा काम है की अच्छे बिजनेस फंडामेंटल्स एंड वाले स्टॉक्स को ढूंढ रिस्क को जितना रिड्यूस कर सके उतना रिड्यूस करके फिर स्टॉक सेलेक्ट करें जिससे फास्ट ग्रोथ भी मिले एंड रिस्क भी मिनिमाइज हो जाए एंड इन्हीं पैरामीटर्स पर मैंने आज के इन फाइव स्टॉक्स को भी सिलेक्ट किया है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स पर आते हैं आज का फिफ्थ माइक्रो कैप स्टॉक है मोदी अनलिमिटेड केवल फोर करोड़ के मार्केट यह स्टॉक रेलवे एरोस्पेस डिफेंस एंड फार्मा जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट के में में इन्वॉल्व है इसके क्लाइंट लिस्ट एबीबी बेल सीमेंस एंड इन्वॉल्वी जैसे कई बड़े नाम है यूनिक बिजनेस वाले इस स्टॉक का फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन दोनों स्ट्रॉ है कंपनी पर डेट करोड़ है तो रिजर्व में वन नाइन्टी टू करोड़ है इसका आरोप सेवन परसेंट एंड आरोप है कंपनी का पी बस ट्वेंटी वन का है जो इसके इंडस्ट्री पी का हाफ है और फोर हंड्रेड करोड़ के मार्केट कैप वाले छोटे स्टॉक के लिए ये सभी पैरामीटर काफी अच्छा है अब लिस्ट का फोर्थ स्टॉक है एंड जिसका प्राइमरी वर्क कंटेनर फीडर ऑपरेशन के लिए वेसल्स ऑपरेट करने का है यानी जो बड़े पर नहीं आ सकते उनका लोडिंग अनलोडिंग का वर्क यह कंपनी करता है और वैसे तो अच्छा फंडामेंटल होने के बाद भी हिस्टोरिकली इस कंपनी का परफॉर्मेंस पोअर ही रहा है बट अभी गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक्स पर अच्छा फोकस है तो उसका बेनिफिट इस स्टॉक को भी मिल सकता है बट हिस्ट्री पोअर होने से रिस्क बहुत ज्यादा है तो स्टॉक में सोच समझ के ही एं एंटर कीजिएगा और किया भी तो बहुत छोटे अमाउंट से एंटर कीजिएगा और सिर्फ यही स्टॉक नहीं बल्कि कोई भी माइक्रोकै स्टॉक हो उसका फंडामेंटल्स कितना भी स्ट्रॉन्ग हो एंड ग्रोथ पोटेंशियल कितना भी हाई हो उसमें एक्सेस कैपिटल कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इन स्टॉक्स में रिस्क भी बहुत हाई होता है माइक्रो कैप स्टॉक्स में ओवरऑल पोर्टफोलियो के टेन परसेंट से ज्यादा गलती से भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए यानी अगर आपका पोर्टफोलियो टेन लाख का है तो अच्छे माइक्रो कैप स्टॉक्स में टेन लाख का टेन परसेंट यानी मैक्सिमम वन लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो एंड बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड ब्लू चिप स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जैसे मल्टीपल डाइवर्सिफाइड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस लिस्ट का थर्ड स्टॉक है जॉडियक एनर्जी केवल टू करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक प्राइमरली रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है इस स्टॉक का फंडामेंटल्स तो बस ठीक ठाक है बट यह जिस सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर को गवर्नमेंट से जबरदस्त सपोर्ट है तो इस सपोर्ट का बेनिफिट इस माइक्रो कैप स्टॉक को भी मिल रहा है इसका चार्ट देखें तो वन हाई के पास यह स्टॉक रेजिस्टेंस कर रहा है जिसे ब्रेक करने के बाद यह अच्छा रैली दिखा सकता है है अब माइक्रो कैप लिस्ट का, से का सेकंड स्टॉक ओम इंफ्रा लिमिटेड जो रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे में काम करता है एंड इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में करंट गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है जिसका बेनिफिट इस स्टॉक को अभी भी मिल रहा है एंड आगे भी मिलते रहने वाला है और यही रीजन है की विजय केडिया सर ने भी इस स्टॉक में अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया है और तब से यह स्टॉक ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है बट उसके बाद भी केवल ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ के मार्केट कैप वाले स्टॉक का वैल्यूएशन है अब आते हैं लिस्ट के नंबर स्टॉक पर एक नहीं बल्कि दो स्टॉक है और आई सेक्टर से बिलोंग करने वाले ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पर काम करते हैं इसमें सेकंड स्टॉक है सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी जिसका मार्केट कैप बस फोर करोड़ के अराउंड है वही इसका आरोप थर्टी फोर ऑलमोस्ट डेट फ्री इस स्टॉक के पास फिफ्टी करोड़ रिजर्व एंड सेवन करोड़ कैश है इसका -E 21 का है जो इंडस्ट्री पी -E का आप ए पर काम करने वाले नंबर वन माइक्रोकैप स्टॉक पर आते हैं जिसका मार्केट कैप केवल थर्टीन हंड्रेड करोड़ का है वही इसका आरओई एट परसेंट एंड आरोपी वन परसेंट है अपने हाई से ट्वेंटी परसेंट के डिस्काउंट पर अवेलेबल यह स्टॉक है के सोल्स इंडिया लिमिटेड